नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे राशन कार्ड में इस समय बड़ा फेरबदल हो रहा है। राशन कार्ड नया अपडेट हो रहा है, एक तरह से KYC चल रही है, क्योंकि अभी तक राशन कार्ड बहुत फर्जी भी यूज हो रहा था, बहुत ज़्यादा फर्जी यूज हो रहा था। मैं भी, आप भी देख रहे होंगे गाँव में जो लोग बहुत अमीर हैं, जिनके पास खूब खेत है, खूब पैसा भी कमाते हैं, वो भी राशन कार्ड बनवाए थे। जो गरीब हैं, जिनको मिलना चाहिए, ठीक है, उनका तो बना ही था, कुछ लोगों का नहीं बना था, यानी पात्र होते हुए भी कुछ लोगों का नहीं बना था, और जो अपात्र थे, जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उनका भी बना हुआ था। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए इस समय भारत सरकार राशन कार्ड को अपडेट कर रही है, जो कि काफ़ी ठीक है, सही बात है, होना भी चाहिए था। तो ये राशन कार्ड में जो अपडेट है, इसके बारे में तो हम कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जो राशन कार्ड में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ना है तो उसका क्या प्रक्रिया है, यानी कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए या उस राशन कार्ड में किसी को जोड़ने की क्या प्रक्रिया है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, राशन कार्ड आवेदन के लिए पात्रता, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो राशन कार्ड की व्यवस्था है वो क्यों है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, परसेंटेज में नहीं, संख्या में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या अगर कहीं है तो वो है भारत। हाँ, अमीरों की भी संख्या में भारत काफ़ी आगे है, क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, इसलिए संख्या के आधार पर ये बहुत चीज़ों में आगे है, नंबर वन पे है। अब इस समय लगभग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दिया जा रहा है, 150 करोड़ की आबादी में। तो इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ये गलत डाटा है। लगभग 1000 रुपये महीने कमाने वाले व्यक्ति जो इससे नीचे है, उसको गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। कैलोरी के आधार पर अगर बात करेंगे तो लगभग 2100 कैलोरी अगर जो यूज कर रहा है वो स्वस्थ है, इससे कम पा रहा है तो अस्वस्थ है, इसका मतलब वो गरीबी रेखा में है। तो पैसे के भी आधार पर इसका निर्धारण होता है कि कितना कोई कमा रहा है, खाने के भी आधार पर हो सकता है। कुल मिलाकर अगर एक शब्दों में कहा जाए तो BPL कार्ड होता है, एक BPL बिलो पावर्टी लाइन, इसी को बोला जाता है गरीबी रेखा से नीचे, यानी ये कार्ड जिसका बना है वही गरीब है, जिसका APL कार्ड है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो यहाँ पे जो पात्रता की बात की गई है वो क्या है पात्रता, आप सर्वे कर लीजिए, गांव में जाइए, देखिए कितने लोग BPL होने चाहिए, जिनके पास खूब खेत है, बेच रहे हैं, उनका भी कार्ड बना हुआ है, इसका मतलब फर्जी था। तो इसका मतलब इसमें जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए, इसकी पात्रता ये है कि BPL कार्ड हो उसके पास, यानी कि जो लोग हैं वो क्या हों, गरीब हों, यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग इसके पात्र हैं। अब जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो तो गरीबी रेखा में आएंगे नहीं, तो इसका मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं वो इसके पात्र नहीं हैं। जो ITR फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, वो कैसे गरीब हो सकते हैं, और ख़ासकर आयकर देते हैं वो कैसे गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनको भी मिल रहा था। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनको भी मिल रहा था। अभी तक क्या था, जैसे एक परिवार में मान लीजिए 8 लोग अगर हैं तो इन 8 लोगों में हो सकता है 4 बच्चे हों और 4 सयान लोग हों। अब उनमें अगर एक सरकारी नौकरी भी कर रहा है व्यक्ति तो उसका भी नाम रजिस्टर्ड है, 7 और लोगों का है, सबको मिल रहा था। तो अब जो नया अपडेट हो रहा है इसमें इस सरकारी नौकरी वाले का काटा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बड़े ईमानदार लोग थे जो पहले ही कटवा लिए थे अपना नाम, बड़ी अच्छी बात है। जो ITR रिटर्न भर रहे थे वो भी कटवा लिए थे, बड़ी अच्छी बात है। तो जो ITR भरते थे उनका भी नाम कट जाएगा, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनका भी नाम कट जाएगा। इसके अलावा जो लोग जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं MSP पे ना, ठीक ठाक बेच लेते हैं, उनका भी नाम कट जाएगा, क्योंकि सब आधार से लिंक है। और ठीक भी है भाई, अगर आप 20 कुंटल 25 कुंटल 30 कुंटल धान बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं MSP पे सरकार की नज़र में, तो आप कैसे गरीब हो सकते हैं, तो उनका तो कटना ही चाहिए। तो पात्रता इसकी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि गरीब लोग किसी भी जाति धर्म मजहब के क्यों ना हो, चाहे वो शहर में रहते हों चाहे वो गांव में रहते हों, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अब जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? दस्तावेज में तो सबके पास आधार होना चाहिए। अगर एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो इसका मतलब कि 5 लोगों का एक परिवार है और उस पर 5 यूनिट गल्ला मिलता है। तो 5 यूनिट का मतलब 5 × 5 यानी कि 25 kg उनको गेहूँ और चावल मिलता है। तो अब इनमें सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी इनका राशन कार्ड बनेगा। और जो मालिक हैं, जिनके मुख्य जो मुख्य मालिक होता है, जिनके नाम राशन कार्ड होता है मेन, उनकी फ़ोटो आधार मतलब पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भाई आय से ही तो निर्धारित होगा ना कि आप गरीब हैं, आय प्रमाण पत्र, जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा परिवार रजिस्टर की नकल, जितने परिवार के लोग शामिल हैं वो कैसे प्रमाणित होगा, तो प्रधान का लिखित हुए, प्रधान सेक्रेटरी का, तो परिवार रजिस्टर, उसी से क्लियर होगा ना कि इतने लोग आपके परिवार में हैं। अब होता क्या है, जैसे परिवार में नई बहू आती है तो उसका नाम दर्ज होता है उसके मायके में, जब यहाँ आती है तो क्या होता है वहाँ कटवा करके इसमें जोड़वाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस महिला का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उस महिला का केवल आधार कार्ड चाहिए और उसके आधार कार्ड में उसके हस्बैंड का मतलब यहाँ का वो होना चाहिए। अब नहीं भी था तब भी हो जाता था, लेकिन अब शायद ज़रूरी है और करवाना भी चाहिए, यहाँ का पूरा पता अपडेट कराना चाहिए। अगर कोई परिवार में नया बच्चा जन्म लेता है, बच्चा आता है, तो उसका आधार कार्ड तो है नहीं तत्काल में, तो उसका पहले बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनता है, तब उसके बाद आधार कार्ड, तो उसकी भी आधार कार्ड लगेगी इसमें ज्वाइन कराने में। ये है दस्तावेज। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया 2 प्रकार से है। आप जो है ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और आप इसको ऑफलाइन भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप अपने मोबाइल से ही खाद रसद विभाग पर जा करके पूरी प्रक्रिया है उसको फुलफिल कर दीजिए, या फिर सहज जनसेवा केंद्र चले जाइए, वहाँ पर खाद रसद विभाग का आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके वहीं से वो सबमिट करा करके विभाग में चला जाएगा और पूरा जब सही सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट्स रहा तो 15 से 30 दिन के भीतर आपका नाम जुड़ जाएगा लिस्ट में। एक ऐप है, आप देख लीजिए प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, राशन नाम से है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल से, इसमें पूरा अपडेट आपको मिलेगा। अपना जो नाम है, आधार कार्ड है ना, वो डालेंगे आप ना, OTP जाएगा, उसके बाद पूरा आपका राशन कार्ड का नंबर, उसमें कितने लोग ऐड हैं, पूरा डिटेल आ जाएगी। इसके लिए आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा, ज़िला सेलेक्ट करना होगा, अपने आप आ जाएगा। नए लोगों को नाम जोड़ना है, इसमें जोड़ने की भी व्यवस्था है, सिस्टम है, KYC की भी व्यवस्था है, तो इस ऐप को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा आप, सरकारी ऐप है, प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया तो है ही, ऑफलाइन में भी आप सहज जनसेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म ले आइए, पूरा भरिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, सब लगा करके जा करके जमा कर दीजिए। जो आपके यहाँ का कोटेदार है वो भी वेरीफाई करेगा, वो भी ये करवा सकता है, मतलब आप सहज जनसेवा केंद्र से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अंततः आपको अपने जो मतलब जहाँ से आप गल्ला लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पर जा करके सत्यापित कराना ही होगा। तो आप जो है, अगर आप शुरू में मतलब अभी वर्तमान में सरकारी नौकरी करते हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने से ही अपना नाम कटवा दीजिए। अभी KYC हो रहा है तो आप KYC मत करवाइए, या फिर कटवा दीजिए, किसी और का जुड़वाना है तो उसके लिए प्रक्रिया यही है। ITR रिटर्न भरते हैं तो भी अपना नाम कटवा लीजिए, अधिक गल्ला बेचते हैं तो भी अपना नाम कटवा लीजिए, नहीं तो भविष्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड सबका बना है, वो आधार कार्ड लिंक है हर जगह, बिना उस आधार कार्ड के आप कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार पूरी जांच कर रही है, पूरा पता लगा लगी, हर राज्य अलग अलग इस पर लगा हुआ है, तो अच्छा होगा कि आप पहले से ही अपना नाम कटवा लीजिए, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं तो, गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको इसका लाभ लेना ही चाहिए। ठीक है, बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।